हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल ट्रैवल प्रो। मैं हूं समीर और आज मैं आपको लेकर आया हूं उड़न। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये उड़न है और उड़न दो चीज़ों की वजह से बहुत फेमस है। एक तो उसका बीच जो समुद्री किनारा है उड़न, और दूसरा ये दरगाह। इस दरगाह का इतिहास तो बहुत पुराना है, उसकी डिटेल भी मैं आपको अभी दे दूंगा। हाँ, जो लोग मुंबई की तरफ से आना चाहते हैं उनके लिए दो तरीके हैं, एक फेरी और एक बाय रोड। फेरी जो है वो आपको भाऊचा धक्का वहाँ से मिल जाएगा, अवेलेबल मिल जाएगा आपको वहाँ से। और जो लोग बाय रोड आना चाहते हैं तो वाशी टोल नाका के बाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये दरगाह और बीच दोनों अवेलेबल हैं। वैसे नॉर्मल टाइम पे तो यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है, रश नहीं होता, लेकिन आज संडे होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। लोग यहाँ पे वन डे पिकनिक के हिसाब से भी आते हैं और कुछ लोग दरगाह ज़ारत करने आते हैं। तो यह है हज़रत मुकीम शाह बाबा का दरबार दरगाह। यह बहुत पुरानी दरगाह है और इसका इतिहास मैं आपको बता दूँ कि कहते हैं कि 40 वलियों में से एक वली है ये, जो इजिप्ट में रहते थे, मिस्र के रहने वाले थे ये, और बहुत ही नेक थे, अल्लाह के दोस्त करीबी। और जब इनका इंतकाल हुआ तब इन्होंने इंतकाल से पहले वसीयत की थी कि इन्हें एक मतलब बक्से में डाल के पानी में छोड़ दिया जाए, उनको दफनाया ना जाए। वो चाहते थे कि एक बक्से में डाल के उन्हें पानी में छोड़ दिया जाए दरिया में। तो उनकी वसीयत के हिसाब से उनके लोगों ने फिर उन्हें दरिया में उनको बहा दिया, और वो बक्सा तैरते तैरते हिंदुस्तान की तरफ आ गया। और ये उड़न जो आज देख रहे हैं हम बीच, उस किनारे पे आ चुका था। और जब यहाँ के मछुआरे जो मछलियाँ पकड़ते हैं, वो जब मछलियाँ पकड़ने गए तो उन्हें दिखा कि वहाँ पे एक ताबूत पानी में तैर रहा है। पहले तो लोगों को लगा, उनको लगा कि ये बक्से में ख़जाना होगा। तो जब वो बक्से को लेने वो जाते, जब बक्से के पास, तो बक्सा दूर चला जाता। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम तक वो बक्सा उन हाथ में नहीं आ रहा था। फिर एक रोज़ एक मछुआरे को एक ख्वाब आया, उसने ख्वाब में देखा कि हज़रत मुकीम शाह बाबा उनके सपने में आके उन्हें बशारत दी कि उनका वहाँ से शरीर ला के यहाँ पर दफनाया जाए उड़न के पास। तो पहले तो मछुआरे ने सोचा कि ये सपना, ये क्या सपना है, उसको समझ में नहीं आया। फिर जब उसके पता चला कि ऐसा एक वाकया हो रहा है वहाँ पर, एक पानी में तैर रहा है बॉक्स, तो उसे पता याद आया कि हाँ मुझे सपना आया था। तो वो जब वहाँ जाता है तो बक्सा उसे मिल जाता है। तो फिर वहाँ से वो बक्सा ला के यहाँ पे उसे दफनाया जाता है। फिर वो यही वो दरगाह है हज़रत मुकीम शाह बाबा, जिनको वहाँ पे दफनाया गया है। तो ऐसे ही ये दरगाह वजूद में आई थी, और ये दरगाह बहुत पुरानी है और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। लोग यहाँ पे वन डे पिकनिक के हिसाब से भी आते हैं, और कुछ लोग आते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ठहरते हैं। तो उन्हें ठहरने के लिए भी, जो आप जिस सामने की तरफ जो रूम देख रहे हो वो कमरा रेंट पर मिलता है, तो जैसा आप चाहो वैसा रेंट पर रह सकते हो, 600-700 जैसा। और लोग यहाँ बीच का भी मज़ा लेते हैं। ये जो है बीच काफ़ी सुंदर है, बहुत खूबसूरत बीच है ये, यहाँ से मुंबई पोर्ट दिखता है पूरा। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।